जलवायु परिवर्तन का असर अब सांपों पर भी नजर आने लगा है कुमाऊं के गर्म स्थानों पर पाए जाने वाला किंग कोबरा अब ठंडे इलाके में भी मिल रहा है उत्तराखंड वानिकी अनुसंधान संस्थान हल्द्वानी की एक शोध रिपोर्ट में कहा गया है कि किंग कोबरा नैनीताल के मुक्तेश्वर और अल्मोड़ा जैसे ठंडे इलाकों में भी मिल रहा है शोधकर्ताओं ने इस पर आश्चर्य जताया है संस्थान के निदेशक संजीव चतुर्वेदी के मुताबिक दुनिया में पहली बार बाईस से ऐसी चौबीस मीटर की ऊंचाई पर किंग कोबरा का दिखाई दिया है ये ऐसी जगह है जहाँ सर्दियों में जमकर बर्फबारी होती है और साल भर तापमान बेहद कम रहता है है और जो हमारे अनुसंधान उसके अनुसार किंग कोबरा उत्तराखंड में नैनीताल जिले में इसकी काफी अच्छी साइटिंग हुई हैं और ये नैनीताल का जो प्लेन एरिया है कार्बेट नेशनल पार्क से लेके छाता रेंज तक का और इसके अलावा जो मिडिल एल्टीट्यूड के एरिया है जोलीकोट गी और उसके बाद जो ऊपर के एरिया हैं मुक्तेश्वर वहाँ तक ये पाया गया और जो एक बहुत ही एक आश्चर्यजनक ये तत्व है कि एक ही ज़िले में इतने ज़्यादा एल्टीट्यूड वेरिएशन में साढ़े तीन सौ मीटर से लेके कर बाईस सौ मीटर तक के बीच में आ, किंग कोबरा जो कि एक रेप्टाइल है और जो मतलब कि वो अपना टेम्परेचर बॉडी का उसका बाहरी टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट नहीं हो सकता है तो वो कैसे इतनी ऊँचाई तक जो है एक इतने एल्टीट्यूड वेरिएशन में पाया जाता है तो ये एक बड़े आश्चर्य की बात है तो ये हमारे शोध की कुछ मेन फाइंडिंग है उत्तराखंड में अच्छे वातावरण की वजह से यहां अब कई तरह के सांपों ने अपना बसेरा बना लिया है इसे देखते हुए वन विभाग ने सांप और मानव टकराव के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रोजेक्ट भी शुरू करने की बात कही है नैनीताल जिले में जो कोबरा 200 से 400 मीटर की ऊंचाई में बसे तराई भाबर के जंगलों में मिलते हैं वही 2200 से 2400 मीटर की ऊंचाई पर भी मिल रहे हैं जो हैरान करने वाली बात है क्योंकि दोनों के तापमान में भी जमीन आसमान का अंतर है तराई भाबर का तापमान जहां 5 डिग्री से लेकर 48 डिग्री तक जाता है वही ऊंचाई वाली जगहों का तापमान शून्य भी रहता है वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इन इलाकों में साल दो से लेकर दो तक कुल एक बत्तीस बार कोबरा दिखे हैं जिसमें से राज्य के पांच जिले शामिल हैं। नैनीताल में तिरासी देहरादून में बत्तीस पौड़ी में बारह उत्तरकाशी में तीन और हरिद्वार में दो बार किंग कोबरा दिखा है वन विभाग रेंजर मदन बिस्ट के अनुसार शोध में बीरभट्टी जोलीकोट और मुक्तेशी किंग कोबरा के रहने की जगहों के पास कैमरे लगाकर शोध किया गया कैमरा जो सबसे पहले जो कैमरे लगे थे वो तो आपके जूलीकोट के इर्द गिर्द लगे थे इधर आपके बीरभट्टी के इर्द लगे हैं और इधर नत्तुखान के वह उससे निकल के आ कि जो किंग कोबरा है वो अपना घोंसले बना रहा है अंडे दे रहा है नेस्टिंग कर रहा है और दूसरा उससे ये हो गया मूवमेंट की किंग कोबरा चूंकि दूसरे जहरीले सांपों को खाता है मनुष्य को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं करता है इसलिए इनको संरक्षण करने की बहुत आवश्यकता है